अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आई एम सॉरी, मैंने कल आपका दिल दुखा दिया अम्मी। मेरी प्यारी बेटी, अम्मी हमेशा आप मुझे बोलती है ना कि सोच समझ के बोला करो, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे मुंह से बस निकल आता है, मैं तो सोच भी नहीं रही होती अम्मी, आई एम सॉरी। वो इसलिए कि मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है। जमाने की चालाकी होशियारी से उसका कोई वास्ता नहीं है। माशाल्लाह, ऐसे ही रहना हमेशा। मेरा टाइम ओवर हो गया है। तुम्हारा और बाजी का पराठा मैंने बना दिया था, अंडे तुम बना लेना, चाय भी बना दी थी, लेकिन दूध गर्म करके डाल लेना। और सुनो, नाश्ता करके जाना है तुमने कॉलेज, खाली पेट नहीं जाना। अच्छा अम्मी, सुनो मेरी बात, ये बर्तन भी उठा देना प्लीज। अच्छा अम्मी, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप मेरी एक बात तो सुने, मुझे जो है ना फोन नहीं चाहिए, आपके पास जब भी पैसे होंगे तब दिला दीजिएगा। पैसों की फिक्र ना करो, पैसे आ जाएंगे, तुम बस ध्यान से जाना कॉलेज। ठीक है अम्मी, आप भी ध्यान से जाइएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चली गई शीरी, बर्तन भी नहीं उठाए और नाश्ता बना देती मेरे लिए तो क्या था, चाय तक नहीं बनाई। वो चाय बना दी उन्होंने, बस दूध डालना है। और तुमने कुछ खाया? नहीं, आपके साथ करूंगी। तुम्हें नाश्ते के बगैर जाने की बहुत आदत है, खबरदार जो नाश्ते के बगैर गई, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी ने चाय तो बना दी थी। अच्छा जी, ठंडी होगी और क्या।